हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है, जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसके रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो, अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, बाइनरी रिपल काउंटर। जब भी हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी काउंट करना या कुछ भी मेजर करना हो, जो भी नंबर रिलेटेड हो, तब हम काउंटर का यूज़ करते हैं। काउंटर का यूज़ करके हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो, टेम्परेचर काउंट करना हो, ये सारे चीज़ों में हम काउंटर का यूज़ करते हैं। अब बाइनरी रिपल काउंटर हो कि असिंक्रोनाउस काउंटर है, जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती, जिसमें कोई भी रूट या कोई भी वे फिक्स नहीं होता, वो भी असिंक्रोनाइज होता है। बाइनरी रिपल काउंटर में हम मेनली जेके और टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जेके और टी फ्लिप फ्लॉप को एक सीरीज कनेक्शन में हमें ज्वाइंट करना पड़ता है। सीरीज हम जेके और टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बाइनरी रिपल काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नीचे किया ही हुआ है, बाद में हम देखेंगे। अ रिपल काउंटर कंसिस्ट सीरीज कनेक्शन ऑफ अ जेके और अ टी फ्लिप फ्लॉप। बाइनरी पैरेलल काउंटर ऑलवेज सीरीज कनेक्शन या सीरियल मैनर में ही काम करता है, जिसमें हम जेके और टी फ्लिप फ्लॉप को एक कनेक्ट करते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके ही हम ये काउंटर बना सकते हैं। अब हमने जेके और टी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करना है सीरियल कनेक्शन में, आइधर जेके आइधर टी, ओके, दोनों नहीं। इसका तो कैसे कनेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है जेके, हमने जेके ली, तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो सेकेंड जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसका क्लॉक पल्स है, उसमें जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक पल्स नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में इनपुट में लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जाएगा। यहाँ पे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बाइनरी रिपल काउंटर बना हुआ है, जिसमें हमने मल्टीपल जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। इसका ये ब्लॉक डायग्राम है, आप पूरा देख सकते हैं। हमने 4 बिट लिया हुआ है, 4 बिट का बाइनरी रिपल काउंटर बनाया, आप जितने चाहे उतने बिट का बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लॉक पल्स से, ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है, जिसका जो भी आउटपुट आया A1 आउटपुट आया, वो दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में गया। इस वे से हमने डिजाइन किया, और सारे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट सेम होगा। आप देख सकते हैं वो यहाँ पे सेम लॉजिक पे कनेक्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉजिक 1, जो कि सबका आउटपुट बने इनपुट बनेगा, इस फ्लिप फ्लॉप का भी, ऊपर वाले फ्लिप फ्लॉप का भी, सारे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट सेम ही है। एडवांटेजेस, बाइनरी रिपल काउंटर कैन बी इजीली डिजाइन बाई जेके या टी फ्लिप फ्लॉप, या जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम इजी वे से बाइनरी रिपल काउंटर को क्रिएट कर सकते हैं। इन डिसएडवांटेजेस, डिले, कैसे डिले हुआ देखते हैं। यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप, ये सेकेंड जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे जब तक ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट नहीं होगा, तब तक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक पल्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को वेट करना पड़ेगा, जब तक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का काम खत्म ना हो जाए, तब तक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को उसके क्लॉक पल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं डीले, क्लॉक पल्स डीले। और उसकी एप्लीकेशन है यूज टू मेजर फ्रिक्वेंसी, यूज टू मेजर टाइम। हमें टाइम या फ्रिक्वेंसी कुछ भी कंप्यूटर में काउंट करना हो, तब हम रिपल काउंटर का यूज कर सकते हैं। मेनली काउंटर, कुछ भी काउंट करना हो, कुछ भी मेजर करना हो, तब हम काउंटर का यूज करते हैं। थैंक यू।